हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को यूनिट 10 के बारे में बताऊंगी, फीटस प्रेजेंटेशन। तो देखिए, फीटस प्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले फीटस प्रेजेंटेशन के टाइप्स बताएंगे आपको। फीटस प्रेजेंटेशन में 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है सिफेलिक प्रेजेंटेशन, सेकेंड ब्रिज प्रेजेंटेशन, थर्ड सोडल प्रेजेंटेशन और फोर्थ है कंपाउंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, कंपाउंड प्रेजेंटेशन मीन्स फीटस के एक से अधिक भाग जो यूट्रस के निचले भाग में स्थित होते हैं उसे कंपाउंड प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे सिफेलिक प्रेजेंटेशन में 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, सेकेंड रो प्रेजेंटेशन और थर्ड है फेस प्रेजेंटेशन। ठीक, हमें प्रेजेंटेशन में बहुत ज़रूरी होता है, हमें 4 बातों को याद रखना पड़ता है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि लाई, सेकंड एटीट्यूड, थर्ड डिनोमिनेटर और फोर्थ होता है प्रेजेंटेशन। 4 चीज़ों के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम देखेंगे लाई। लाई क्या होता है? लाई मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस। ठीक है, मतलब कि जो यूट्रस का जो लॉन्ग एक्सिस होता है उससे और जो फीटस का लॉन्ग एक्सिस होता है ना, उसमें दोनों में क्या संबंध होता है। जैसे कि हम मानते हैं ये यूट्रस है, जैसे हमने मान लिया ये यूट्रस है। ठीक है, अब इसमें हम ये यूट्रस का लॉन्गिट्यूडनल शेप है और इसमें हम देखते हैं फीटस यदि यूट्रस के ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सिचुएटेड है तो ये होगा इसका लॉन्गिट्यूडनल लाई, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल लाई कहलाएगा। इसमें 3 टाइप्स है, फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल, सेकंड है ऑब्लिक लाई और थर्ड है ट्रांसवर्स लाई। लॉन्गिट्यूडनल लाई 99 केसेस में हमें देखने को मिलता है। अब हम सेकेंड देखेंगे ऑब्लिक लाई। ऑब्लिक लाइक 0.25 से लेकर 0.5% केसेस में हमें देखने को मिलता है। ऑब्लिक लाइक मीन्स जैसे ये यूट्रस है, यूट्रस में ये फीटस इस टाइप से सिचुएटेड होता है, मतलब कि यूट्रस में जो फीटस होता है वो 45 डिग्री एंगल पे सिचुएटेड होता है। 45 डिग्री एंगल पे फीटस जब सिचुएटेड होता है मीन्स इस टाइप से, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक लाई। ठीक है, थर्ड है ट्रांसवर्स लाई भी 0.25 से लेके 0.50% केसेस में हमें देखने को मिलता है और ये होता है यूट्रस में यदि जो फीटस है वो इस तरह से सिचुएटेड है, मीन्स यूट्रस के लॉन्गिट्यूडनल स्थिति से जो फीटस होता है वो ऐसे सिचुएटेड होता है, मतलब ये 90 डिग्री एंगल पे सिचुएटेड है, तो इस टाइप के हम जो लाई होते हैं उसे ट्रांसवर्स लाई कहते हैं। ठीक है, ये कम से कम 0.25 से लेके 0.50% केसेस में हमें देखने को मिलता है। तो इस टाइप से हम तीनों लाई के बारे में पढ़ चुके हैं अभी, लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स। ये होता है लॉन्गिट्यूडनल लाई, ये है ट्रांसवर्स लाई और ये है ऑब्लिक लाई। ठीक है, कुछ केसेस में फीटल प्रेजेंटेशन गर्भावस्था के 36 वीक्स के बाद परिवर्तन होता है, उसे हम अनस्टेबल लाई भी कहते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड देखेंगे एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स होता है रिलेशनशिप ऑफ फीटस हेड एंड लिम ट्रंक शुड बी वन ऑफ फ्लेक्शन, मतलब फीटस हेड लिम ट्रंक शुड बी वन ऑफ फ्लेक्शन, एक तरह से फ्लेक्सिबल होता है फीटस हेड और ट्रंक, पूरी तरह से फ्लेक्शन होता है, मुड़ा हुआ होता है, या हम इसको कह सकते हैं द फीटस कॉर्ड ऑफ बीक चेंज ऑन चेस्ट
एंड आर्म लेग विल फ्लेक्स फॉर्मिंग अ कॉम्पैक्ट मास। जैसे ये एक फीटस है, फीटस का ये हेड है, ये फीटस है इस टाइप से, ये फीटस है। अब ये फीटस का जो हेड होता है, फीटस का हेड जो होता है फीटस के चेस्ट से एकदम चिपका हुआ होता है, और इसका जो लेग आर्म्स ट्रंक्स ये पूरी तरह से ऐसा फ्लेक्सिबल होता है, पूरी तरह से फ्लेक्सिबल मतलब वेल फ्लेक्स्ड। ये बेबी पूरा वेल फ्लेक्स्ड है, इसका जो चेस्ट से इसका चिन एकदम टच करता है, तो इसको हम वेल फ्लेक्स कह सकते हैं। ये लाइक कंप्लीट मास लाइक ये दिखाई देता है, जैसे ये पूरी तरह से वेल फ्लेक्स्ड है। ये होता है एटीट्यूड, ये हमने एटीट्यूड देख लिया। अब थर्ड हम देखेंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन विच इंडिकेट और डिटरमाइन द पोजिशनिंग ऑफ फिटस। मतलब जो डिनोमिनेटर होता है यह प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है, प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है, और ये हमें इंडिकेट करता है डिटरमाइन, इससे हमें फीटस का जो पोजीशन होता है वो डिटरमाइन होता है, मतलब उसमें हेल्प होती है डिटरमाइन करने में। ठीक है, तो इससे हमें जो भी फीटस का जो पार्ट हमें डिनोमिनेट होता है उससे हमें फीटस की पोजीशन का पता चलता है। ठीक है, अब हम फोर्थ देखेंगे। फोर्थ हम देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस। द पार्ट ऑफ फीटस दैट लाइज ऑफ पेल्विक रिम और इन द लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस। प्रेजेंटेशन मतलब होता है फीटस का, द पार्ट ऑफ फीटस, फीटस का वह पार्ट जो हमें लाए होता है पेल्विक रिम में या फिर यूट्रस के लोअर पार्ट में। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे प्रेजेंटेशन कितने टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंटेशन हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, सेकंड है ब्रिज प्रेजेंटेशन, थर्ड है फेस प्रेजेंटेशन, फोर्थ है शोल्डर प्रेजेंटेशन, फिफ्थ है ब्रो प्रेजेंटेशन। अब हम सबसे पहले वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के बारे में जानेंगे। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ये स्कल है फीटस का, ये स्कल है। ठीक है, ये इसका है ऑक्सीपिट वाला भाग, ऑक्सीपिट, और ये एंटीरियर फाउंटेनेल्स से पोस्टीरियर फाउंटेनेल्स की बीच की दूरी, ये होता है वर्टेक्स। तो ये जब ऑक्सीपिट हमें डिनोमिनेट होता है तो फीटस का वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में बेबी विल फ्लेक्स्ड होता है। विल फ्लेक्स मतलब बेबी का जो चिन होता है वो चेस्ट से चिपका हुआ होता है, और बेबी का पूरा जो बॉडी होता है वो पूरा फ्लेक्स होता है, ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें ये जो वर्टेक्स वाला भाग होता है ये यूट्रस के लोअर पार्ट में दिखाई देता है। अब हम सेकेंड देखेंगे ब्रिज प्रेजेंटेशन। ब्रिज प्रेजेंटेशन में सेक्रम इसका डिनोमिनेटर होता है। ब्रिज प्रेजेंटेशन में सेक्रम इसका डिनोमिनेटर होता है। कैसे? देखिए, ये है मान लो पेल्विक, ये है पेल्विस। ठीक, अब हमने देखा था वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में जो यूट्रस के लोअर पार्ट में, यूट्रस के लोअर पार्ट में हेड मतलब यहाँ पे वर्टेक्स, वर्टेक्स होता है, ये यूट्रस के लोअर पार्ट में नीचे भाग में वर्टेक्स होता है। जैसे कि ये फीटस है, ये विल फ्लेक्स्ड है, और इसका ये चेस्ट है, चेस्ट से ये जो चिन है ये एकदम चिपकता हुआ है। ठीक है,
अब हम सेकेंड देख रहे हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन। ब्रिज प्रेजेंटेशन में सेक्रम डिनोमिनेटर होता है, तो इसमें ये पेल्विस है। पेल्विस में इसमें हेड ऊपर होता है, बेबी का जो हेड होगा ये ऊपर होगा और बेबी ऐसे ऐसे होगा, जिसमें नीचे इसके बटक्स होंगे। बटक्स मतलब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा वो सेक्रम होगा, डिनोमिनेटर सेक्रम होगा, मतलब कि ये ब्रिज प्रेजेंटेशन होगा। ब्रिज प्रेजेंटेशन में डिनोमिनेटर सेक्रम होगा, और ये इसे हम पॉडेलिक प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ब्रिज प्रेजेंटेशन को हम पॉडेलिक प्रेजेंटेशन भी कहते हैं, और ये 0.25 से लेके 0.50% केसेस में हमको देखने को मिलता है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन को छोड़कर जितने भी सारे प्रेजेंटेशन होते हैं, ब्रिज प्रेजेंटेशन, फेस प्रेजेंटेशन, शोल्डर प्रेजेंटेशन और ग्रो प्रेजेंटेशन, ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन को छोड़कर जितने भी सारे प्रेजेंटेशन होते हैं ये माल प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब सेकंड हम देखेंगे फेस प्रेजेंटेशन। फेस प्रेजेंटेशन ये इसमें हमें जो डिनोमिनेटर होगा वो मेंटम होगा। जैसे ये पेल्विस है, ये पेल्विस है, पेल्विस इसमें बेबी का ये ऊपर ऑक्सीपिट और ये इसका नीचे की ओर चिन है। चिन मतलब मेंटम, और बेबी इस टाइप से होगा, मतलब ऑब्लिक एंगल इसका जो होगा ऑब्लिक लाई होगा, और इसका जो एंगल होगा वो 45 डिग्री एंगल पे ये होगा, मतलब इसका जो लाई है बेबी का ये ऑब्लिक होगा, और इसमें जो डिनोमिनेटर होगा चिन होगा। चिन इसके चिन मतलब मेंटम, मेंटम ये जो होगा पेल्विस के यूट्रस के लोअर भाग में हमें डिनोमिनेटर के रूप में दिखाई देगा, फील होगा। ये है फेस प्रेजेंटेशन। अब हम फोर्थ देखेंगे शोल्डर प्रेजेंटेशन। शोल्डर प्रेजेंटेशन में डिनोमिनेटर होगा एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस कैसे होगा, ये है पेल्विस। पेल्विस में बेबी इस टाइप से, ये हेड है बेबी का और ये एक्रोमियन प्रोसेस कंधा, यहाँ कंधे में ये इसका एक्रोमियन प्रोसेस, और इस टाइप से ये बेबी ऐसे होगा, मतलब बेबी ट्रांसवर्स लाई होगा, बेबी ट्रांसवर्स लाई होगा, और इसका जो डिनोमिनेटर है एक्रोमियन प्रोसेस होगा, मतलब कि जो शोल्डर प्रेजेंटेशन है, शोल्डर प्रेजेंटेशन में डिनोमिनेटर एक्रोमियन प्रोसेस होगा, बेबी का लाई ट्रांसवर्स होगा उसमें। ठीक है, अब हम फिफ्थ देखेंगे ब्रो प्रेजेंटेशन। ब्रो प्रेजेंटेशन जस्ट लाइक फेस प्रेजेंटेशन के जैसे ही होता है। इसमें हम देखते हैं ये बेबी का स्कल है, इसमें ये ऑक्सीपिट है। ऑक्सीपिट जब डिनोमिनेटर होता है तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है। इसमें एंटीरियर फाउंटेनल से लेके पोस्टीरियर फाउंटेनल्स के बीच का जो भाग यदि प्रेजेंटिंग पार्ट है तो ये इसका वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा। यहाँ से एंटीरियर फाउंटेनल से लेके ग्लोबेला, मतलब दोनों आईब्रोज के बीच में जो भाग होता है इसे ग्लोबेला कहते हैं, तो एंटीरियर फाउंटेनल से लेके ग्लोबेला के बीच वाला भाग ये ब्रो प्रेजेंटेशन होगा, और यहाँ से लेके ग्लोबेला से लेके मेंटम तक, ग्लोबेला से लेके मेंटम तक ये वाला भाग फेस प्रेजेंटेशन होगा। अब ये ग्लोबेला से लेके मेंटम तक ये फेस प्रेजेंटेशन है, ग्लोबेला से लेके एंटीरियर फाउंटेनल तक ब्रो प्रेजेंटेशन है, और एंटीरियर फाउंटेनल से लेके पोस्टीरियर फाउंटेनल तक ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है। अब हम देखेंगे इसमें, हमने सारे प्रेजेंटेशन देख चुके, अब हम इसको सीरियल वाइज देखेंगे। हमने सबसे पहले देखे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन है, डिनोमिनेटर है। अब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो इसका डिनोमिनेटर होगा ऑक्सीपिट। सेकंड ब्रिज प्रेजेंटेशन है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन को हम सिफेलिक प्रेजेंटेशन भी कहते हैं, ये 99% केसेस में हमको देखने मिलता है। सेकंड है ब्रिज प्रेजेंटेशन, ब्रिज प्रेजेंटेशन में हम जो हमें डिनोमिनेटर होता है वो सेक्रम होता है। थर्ड है फेस प्रेजेंटेशन, फेस प्रेजेंटेशन में जो डिनोमिनेटर होता है वो मेंटम होता है,
और फोर्थ है शोल्डर प्रेजेंटेशन। शोल्डर प्रेजेंटेशन में जो डिनोमिनेटर होता है वो एक्रोमियन होता है। और फिफ्थ है ब्रो प्रेजेंटेशन। ब्रो प्रेजेंटेशन में जो डिनोमिनेटर होता है वो फोर हेड होता है। तो इस टाइप से हम अगर डिनोमिनेटर हमें याद है तो हम इसके प्रेजेंटेशन हमें आसानी से पता चल सकता है, या प्रेजेंटेशन है तो हमें डिनोमिनेटर हमें समझ में जाता है। यदि दोनों चीज़ हमें पता है तो ये बहुत अच्छे से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने प्रेजेंटेशन, फीटस प्रेजेंटेशन के बारे में आपको बताया है। अब आपको जो भी अगर समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं मुझे, और नेक्स्ट क्लास हम कल लेंगे। ओके, थैंक यू।